क्या नाम है आपका? उपेंद्र सिंह चौहान। आपने किस आशय हेतु कमिश्नर को पत्र लिखा था? हाँ, कमिश्नर साहब को साधारण आवेदन दिया था IAS कलेक्टर साहब के लिए पद का रिक्त है। कहाँ पर रिक्त है कलेक्टर का पद? बालाघाट। तो बालाघाट में अभी जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि कलेक्टर हैं दीपक आर्य जी, क्या आपको नहीं पता कि बालाघाट में कलेक्टर हैं अभी वर्तमान में दीपक आर्य जी? उसका जो आदेश है कमिश्नर साहब निकालते हैं जी। नहीं तो अभी वर्तमान में तो बालाघाट कलेक्टर का पद रिक्त नहीं है। हाँ, आपने इससे जानकारी दी कि बालाघाट में कलेक्टर का पद रिक्त है? हाँ, वहाँ साहब ने बताया था मेरे को बालाघाट में। किस साहब ने? बाबू साहब ने बताया था, वहाँ के हेड बाबू साहब ने। क्या नाम है? गणवीर साहब। गणवीर साहब क्या बोले थे उन्होंने? यहाँ पद रिक्त है बोले, तो एक साधारण आवेदन कमिश्नर साहब को दे देना। अच्छा, कब दी थी उन्होंने जानकारी आपको? ये एक माह पहले। एक माह पहले आप हाँ बालाघाट कलेक्टर ऑफिस गए थे? हाँ, कलेक्टर ऑफिस गए। तो उनका कुछ नंबर वगैरह है आपके पास गणवीर जी का? नहीं है अभी तो। अच्छा, तो उन्होंने आपको बताया कि कमिश्नर द्वारा नियुक्ति होती है? हाँ, कलेक्टर कमिश्नर साहब के द्वारा कलेक्टर साहब की नियुक्ति होती है, तो इसलिए मैं साधारण आवेदन दिया था कमिश्नर साहब को। आपको पता है कि कलेक्टर जितने प्रशासनिक पद होते हैं उनके लिए परीक्षा आयोजित की जाती है? हाँ मालूम है, परीक्षा आयोजित की जाती है। लेकिन कमिश्नर साहब इसका आदेश निकालते हैं करके साधारण आवेदन दिया। तो आपने कब भेजा ये आवेदन? पोस्टर द्वारा भिजवाया था कमिश्नर साहब को जबलपुर। कब भिजवाई? 10 दिन हो गया। शुभ नाम आपका? भूपेंद्र सिंह चौहान। कहाँ रहते हैं? ग्राम डोली पोस्टर बोलेगा, तहसील लाली जिला बालाघाट मध्य प्रदेश। कितनी पढ़ाई की आपने? MBA फाइनल कंप्यूटर PGDCA BMC DMS LLB टाइपिंग स्टूडेंट। धन्यवाद।